हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अमृतसरी लस्सी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मी का सीजन हो और इसमें ठंडा ठंडा लस्सी मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो चलिए आज हम लस्सी बनाना शुरू करते हैं। तो इस लस्सी को हम ट्रेडिशनल तरीके से बना के बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये लस्सी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम अमृतसरी क्रीमी लस्सी बनाना शुरू करते हैं। लस्सी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है दही। 1 किलो दही को हमने घर पे बनाया है। दही का हम कुछ क्रीम यूज करेंगे। शक्कर पाउडर हमने बना लिया है। कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स को हमने काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे क्योंकि हमें दही को घोटना है। तो छोटा बर्तन रहेगा तो दही की छींटे उड़ेंगे। अब हम उसमें दही डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम घर की ताजी ताजी थक्केदार दही हमने बनाया है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहता इस दही में और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ शक्कर। तो आप चाहें तो अक्खा भी डाल सकते हैं पर उसको घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लस्सी ट्रेडिशनल तरीके से बना के आपको बताएंगे। आप चाहें तो ऐसे मिक्सर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर जार में भी डाल के बना सकते हैं, पर हम आज ट्रेडिशनल तरीके से लस्सी बनाएंगे। तो पहले जमाने में ऐसे मथनी यानी घोटनी या जो भी आप बोलते हो इसी से लस्सी बनाई जाती थी। तो हम क्या करेंगे, इसे लस्सी को अच्छे से ऐसे फेंटेंगे यानी कि मथेंगे। हम इसे तब तक मथेंगे जब तक एक गाढ़ी स्मूथ लस्सी तैयार ना हो जाए। हम इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं डालेंगे क्योंकि तो लस्सी की मजा गाढ़ी हो तो ही आता है। तो हम इसे कंटिन्यू 5 से 6 मिनट फेंटेंगे। आप सबको पता ही होगा लस्सी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और ये जो लस्सी बनकर तैयार होगी इसके बाद तो आप मार्केट की लस्सी पीना भूल ही जाएंगे। तो हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमने 5 से 6 मिनट तक मथनी से दही को फेंटा है। अब ये अपना लस्सी का रूप ले चुका है। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कितनी स्मूथ और गाढ़ी लस्सी तैयार हुई है। तो यहाँ पे आप आइस क्यूब या थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं, पर हमें गाढ़ी लस्सी और ट्रेडिशनल तरीके से बनानी है तो हम इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। प्योर दही की ट्रेडिशनल लस्सी तैयार करके बताएंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, लस्सी को अच्छे से फेंट लेना है और इसे ग्लास में सर्व करना है। लस्सी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे बबल्स भी आ गए हैं। तो ये अपनी लस्सी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं और उसमें हम लस्सी को सर्व करेंगे। कितना गाढ़ा, कितना स्मूथ लस्सी तैयार हुआ है। लस्सी को हमने ग्लास में डाल लिया है। अब हम ग्लास के ऊपर क्या करेंगे, ये घर की ताजी ताजी क्रीम डालेंगे। इसी से अमृतसरी फ्लेवर आती है लस्सी में। ये तो जान है क्रीम अमृतसरी लस्सी की। तो हम दोनों ग्लास पे एक एक चम्मच क्रीम डाले हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। अगर आपको ठंडी करके पीनी है तो इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के पीजिए। ठंडा ठंडा चिल चिल ये अमृतसरी लस्सी तैयार है। तो गर्मी में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये मन को ठंडक ताजगी देने वाली लस्सी होती है, एनर्जी तो मिलती ही। तो फ्रेंड्स, मेरी ये ट्रेडिशनल तरीके की अमृतसरी लस्सी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।
धन्यवाद।